बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ग्रेवी। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही लाजवाब ग्रेवी बनकर तैयार होती है। आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो रेसिपी को लाइक करें, मेरा चैनल हयात किचन को सब्सक्राइब करें और साथ ही होने वाले बेल बटन को प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो आप तक पहुंचते रहे। चलिए चिकन ग्रेवी को बना लेते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन को लिया है, धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। चिकन को हम पहले मैरिनेट करेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 टीस्पून दही को डालकर चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। इन सब मसालों को चिकन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैंने मसालों के साथ अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 साबुत लाल मिर्च को लिया है और 10 से 15 काजू को लिया है। इन दोनों को हम हल्का रोस्ट कर लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। लाल मिर्च और काजू रोस्ट हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। रोस्टेड काजू और लाल मिर्च के साथ हम यहाँ पर 2 टमाटर लेंगे कटे हुए। और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर फाइन पेस्ट में पीस लेंगे। मैंने काजू और टमाटर के पेस्ट को पीस लिया है। यहाँ पर एक मैं कढ़ाई को गैस स्टोव पर रखा हुआ है। अब हम 4 टीस्पून कुकिंग ऑयल को कढ़ाई में डालेंगे। ऑयल को हमने गरम कर लिया है, तो कटी हुई प्याज को डालेंगे। प्याज को हम ऑयल में थोड़ा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी हल्का सॉफ्ट हो गई है, अब हम प्याज में डालेंगे 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ प्याज को हम गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे हमारा काजू और टमाटर का पिसा हुआ मसाला। काजू के पेस्ट को मैंने पैन में डाल लिया है, एक बार मिक्स कर लेंगे। अब पैन में हम डालेंगे कुछ सूखे मसाले, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सब मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। मसालों में हम 1/2 कप के करीब पानी को डालेंगे क्योंकि हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे से पक जाए। मसाले को मैंने 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन को। चिकन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों के साथ चिकन को 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। हाई फ्लेम पे हमें चिकन को भूनना है। चिकन को मैंने हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम चिकन में डालेंगे 1 कप पानी और चिकन में डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक को अब हम एहतियात से डालेंगे क्योंकि हमने मैरिनेट करते वक्त नमक को डाल लिया था। अब मिक्स कर लेंगे। चिकन को हम मीडियम लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में हमें चिकन को चेक करना है क्योंकि चिकन हमारा जले नहीं।
हम चिकन को हम 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन हमारा 8-10 मिनट से लो फ्लेम पे पक रहा है, देखिए अच्छे से पक गया है। इसमें जो हमने ऑयल इस्तेमाल किया था, ऑयल भी रिलीज हो गया है, लगभग हमारा चिकन गल गया है। अब हम फाइनली चिकन में डालेंगे कसूरी मेथी, इसे भी मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी को मिक्स करके एक आधा मिनट और पका लेंगे। चिकन हमारा अच्छे से पक गया है, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। थोड़े से डालेंगे ताजगी के लिए हरे धनिया के पत्ते। देखा ना आपने रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ग्रेवी बनाना कितना आसान है। आप इस बढ़िया सी रेसिपी को रोटी पराठा नान के साथ सर्व कर लें, और खुशका राइस के साथ भी बहुत बढ़िया रहता है। आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो रेसिपी को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे फिर एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।